सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं अनामिका गौतम, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहूंगी जो आए दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर उनके द्वारा लिखे भारतीय संविधान पर टिप्पणियां करती रहती हैं। मैं जरा उनको बता दूं कि आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देन है, अन्यथा और किसी की देन नहीं है। मैं पहले बात तो ये बता दूं, अगर आप किसी भी कैटेगरी किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पंडित है, गुर्जर है, बामन है, अन्यथा जो भी आपका कास्ट है, अगर महिलाओं को किसी ने अधिकार और सम्मान दिलाया है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया, अन्यथा और किसी ने नहीं दिलाया। मैं जरा बता दूं, आज आप अच्छे अच्छे पदों पे विराजमान हो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, अच्छी संपत्ति में अधिकार पा रहे हो, पुरुषों के बराबरी सम्मान पा रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, जो भी आप अच्छे अच्छे उपाधि लिए हुए बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, अन्यथा और किसी की देन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महिला आरक्षण बिल पास ना कराते तो आज आपकी स्थिति बस से बदतर होती, आप किसी कोने में सड़ रही होती। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सदन में उस पन्ने को फाड़ के ना फेंका होता जिसमें लिखा था महिलाएं शूद्र और महिलाओं को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी और हमें अधिकार दिलाने का काम किया। मैं उन महिलाओं से आशा और अपील करना चाहूंगी जो आए दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे गलत टिप्पणियां करती रहती हैं। मैं उनसे आशा करती हूं कि आप अपने इतिहास को पढ़िए, इतिहास को ही नहीं सही अपने भारतीय संविधान को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको ये सारी सुख सुविधाएं किसकी बदौलत मिली हैं और आप किसके एहसानों पर जी रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप 21वीं सदी में जीकर 18वीं सदी वाली सोच रखती हैं। अगर आप ऐसी घटिया हरकतें करोगे तो कैसे ये देश चलेगा। मैं ये कहना चाहूंगी बस कि आप कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जात से बड़ा नहीं होता, सब अपने कर्मों से छोटे बड़े होते हैं। आपको आज अधिकार किसी ने दिलाया तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सभी को मेरा साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों,